हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, जियो फोन में अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को जो है व्हाट्सएप वाले ऐप का अपडेट मिला था। काफी दिनों से लोग वेट कर रहे थे कि भाई जियो फोन में आपको व्हाट्सएप के ऐप का अपडेट कब मिलेगा। 15 अगस्त को बोला गया था, लेकिन उसके बाद भी काफी दिनों तक जो है व्हाट्सएप वाले ऐप का अपडेट नहीं मिला। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जो है सभी लोगों को व्हाट्सएप वाले ऐप का अपडेट मिल चुका है जियो फोन में। लेकिन आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज आ रही थी कि व्हाट्सएप पर काफी ज्यादा फेक जो है मैसेज चलते हैं, तो इसी को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही कि तो अगर आप भी जियो फोन में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो अब यहां पर व्हाट्सएप की टीम और जियो की टीम आपके पास आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्यों आपके पास आने वाली व्हाट्सएप और जियो की टीम, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी फ्री पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं तो मैंने फोरफन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहां से फोरफन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको डायरेक्ट 50 रुपीज का पेटीएम कैश मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि काफी पॉपुलर ऐप जो व्हाट्सएप है वो अभी कुछ दिन पहले यहां पर जियो फोन में आया। काफी लोग वेट कर रहे थे कि भाई जियो फोन में व्हाट्सएप कब आएगा, और स्टार्टिंग से ही लोग वेट करने लग गए थे। लेकिन फिलहाल अभी जो है करीबन 10-15 दिन पहले सभी लोगों को यहां पर व्हाट्सएप के ऐप का अपडेट मिला है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि व्हाट्सएप पर काफी ज्यादा फेक मैसेज चलते हैं, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है व्हाट्सएप को बार बार बोल रही है कि भाई इन मैसेज को कंट्रोल किया जाए, जहां से भी ये मैसेज जो है जनरेट होते हैं उन लोगों का पता लगाया जाए। लेकिन व्हाट्सएप अभी इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर व्हाट्सएप की टीम और जो जियो की टीम है वो अब आपके शहर में आने वाली। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर में आकर वो बताएगी कि किस तरह से आपको जो है जियो फोन में व्हाट्सएप यूज करना है और कौन कौन सी चीजें वहां पर आपको करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, किस तरह के मैसेज आपको भेजने चाहिए, किस तरह के मैसेज अगर आपके पास आते हैं तो उन्हें आपको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, यानी कि जो भी फेक मैसेज आते हैं उन्हें कैसे पहचानना चाहिए, किस तरह की गलत न्यूज यहां पर जिस तरह से फैलाई जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इसी सब पर लगाम लगाने के लिए जियो और व्हाट्सएप की टीम जो है 9 अक्टूबर से अपना कैंपेन स्टार्ट कर रही है, जिसके तहत वो 10 शहरों के अंदर जाएंगे और वहां पर लोगों को इकट्ठा करेंगे और वो वहां पर आपको प्लेस के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि भाई आपको अगर आप जियो फोन में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो ये चीजें करनी चाहिए, इस तरह के मैसेज आपके पास आते हैं तो इन तरह के मैसेज को आपको इस तरह से हैंडल करना चाहिए और जो भी यहां पर फेक मैसेज आते हैं उन्हें आपको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, यानी कि व्हाट्सएप के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन फिलहाल दी जाएगी अब जियो और व्हाट्सएप की टीम के द्वारा सभी जियो फोन यूजर्स को उनके शहर में आकर। तो दोस्तों, ये कुछ न्यूज यहां पर निकल कर आई थी व्हाट्सएप और जियो फोन यूजर्स के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।